मॉम, आप मुझे गलत समझ रहे। मैं सिर्फ दादाजी से बात शेयर कर रही थी, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने उनसे हर बात शेयर की। मैं आपकी कंप्लेन नहीं कर रही थी। सॉरी, आज के बाद इस घर की कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी। मेरा वो मतलब नहीं था पंखुड़ी, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर नहीं किया है पंखुड़ी। बस एक बात चाहती हूँ तुमसे, मेरे बेटे की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। आगे अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए ना पंखुड़ी, तो मैं अगर आप यहाँ होती ना तो मैं बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करती। मैं तो तेरे पास ही हूँ बेटा, और फिर तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बेटा, अवंतिका जी अब कैसी है? वो तो आदि को लेके से भी ज्यादा टेंशन में, और तुम्हें लेकर तो अवंतिका जी फिर से नॉर्मल हो गई ना? वो कोई बात नहीं बेटा, अवंतिका जी इस वक्त सबसे पहले एक माँ है, और एक माँ को तो अपने बच्चे की खुशी की फिक्र होगी ही ना। तू मत घबरा, सब ठीक हो जाएगा। हमें ये सब क्यों हो रहा है ये सब? मुझे आपकी बहुत याद आ रही। पंखुड़ी। अच्छा मैम, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। तो अपना ख्याल रखना बेटा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू चंकी। अरे भाई अवंतिका, ऐसा क्या नाश्ता पक रहा है भाई कि हमें टेबल के पास भी आने को नहीं बोला जा रहा है? सॉरी हरीश, लेकिन बस 10 मिनट। आज मैंने आदि के लिए उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। चलो अच्छा हुआ। वो एक्चुअली आदि के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो बेचारा टूट सा गया है, है ना? एक्सक्यूज मी, क्या है ना कि अगर हम बार बार घूम घूम कर वही बात करते रहे ना, तो कोई नॉर्मल इंसान भी अपसेट रहेगा। सो आई सजेस्ट कि हम इस बारे में बात ना करें। हाँ जीजू, आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदि के सामने हम बिल्कुल इस बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ भाई, आदि के सामने सब ऐसा बिहेव करेंगे जैसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ लेकिन डैडी जी, आदि ने जो किया है हम उसके दिमाग से निकाल नहीं सकते, भले ही कुछ भी कर लें। भाभी प्लीज, इतनी टेंशन मत लो, आपके बाल सफेद हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई सीरियस डिस्कशन चल रहा है क्या? नो, एक्चुअली हम सब प्रीति की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी डोंट हैव मच टाइम। हाँ बस कुछ 15-20 दिन बाकी हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। और हम शादी धूमधाम से करेंगे, उन सभी को बुलाएंगे जो हमसे कई सालों से बिछुड़ चुके हैं। और हाँ, हम मीडिया को भी बुलाएंगे। वो क्या है, दीवान मेंशन की शादी है तो पेशरी पे आनी चाहिए ना मेरी फोटो। डोंट वरी भाभी, अपना आदि है ना, सब काम संभाल लेगा। ऑफ कोर्स मामी, पर हम ना कोई कमी नहीं छोड़ेंगे सेलिब्रेशन में। आफ्टर ऑल मेरी मासी की शादी है। क्या बोलते नानू? हाँ जरूर जरूर, पर भाई अब ये नानू से इतनी भागदौड़ तो नहीं हो पाएगी, तो मेरे हिस्से का काम तुम ही संभाल लेना भाई। अरे नानू, आपके हिस्से का क्या, मैं तो सबका काम खुद ही संभालूंगा। ये वही ना कोई बात, अब चिंता मत कीजिए। ओके अरे कहाँ, तुम हो तो चिंता कहाँ से।
अच्छा ब्रेकफास्ट खाते ही ना हमें लिस्ट बनानी शुरू करनी चाहिए। यस मालिश नहीं चंपिनी आता हूँ जी। आ रहा हूँ भैया। साहब जी मॉम की डेथ लेकिन वो तो सालों पहले हुई थी एंड इट वाज अ नेचुरल डेथ। आप क्यों आए हैं? देखिए मिसेस कुमार मैं यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी करने आया हूँ। मुझे किसी का फोन आया था जिसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी कि आपकी मदर का खून आपके बेटे आदित्य कुमार ने किया है। इंस्पेक्टर साहब क्या बकवास कर रहे हैं आप? जब आपको सच का पूरा पता ही नहीं तो इस तरह आप किसी पर भी इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मिस्टर दीवान इससे पहले किसी ने दीवान साहब को ब्लैकमेल किया था और वो केस भी मेरी ही चौकी में इन्वेस्टिगेट हो रहा है तो हो सकता है कि दोनों केस में कोई लिंक हो। व्हाट रबिश इज दिस? कोई भी अननोन पर्सन आपको कॉल करेगा तो आप यहां पे पूछताछ करने के लिए आ जाएंगे? यू कांट डू दिस। मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। मिस्टर आदित्य कुमार को तो एक बार मेरे साथ पुलिस चौकी आना ही होगा क्योंकि मुझे उनसे पूछताछ करनी है। दिस इज रिडिकुलस। आप ऐसा नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। जब हम सब कह रहे हैं कि आदि ने कुछ नहीं किया है तो आप उससे क्या पूछताछ करना चाहते? देखिए गोडबोले जी आपको गलत फहमी हुई है। अब वैसे फिर भी अगर आप अपनी तसल्ली के लिए आदि से कुछ पूछताछ करना भी चाहते हैं तो ठीक है कर लीजिएगा लेकिन आज नहीं। आज उसकी तबीयत जरा नासाज है। तबीयत ठीक नहीं है। एक दो दिन के बाद वो आ जाएगा आपके पास। सॉरी दीवान साहब एक बार तो उनको मेरे साथ पुलिस चौकी आना ही होगा। आई नो पुलिस को इन्फॉर्म रूबल नहीं किया। थिंग्स ही कैन ब्रेक मी। ऐसा होने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर आज आदि आपके साथ कहीं नहीं आ पाएगा। आप फिर कभी आइए। आई मीन एक दो दिन के बाद आइए। इंस्पेक्टर साहब मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। अब तुम बीच में मत बोलो ना बेटा। हम इंस्पेक्टर साहब को मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ लें। पूछताछ करने दीजिए मैं तैयार हूं। एक्सक्यूज मी के लिए जाने की क्या जरूरत है आती? बेटा, let me handle this. नहीं, मैं इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस को फेस करना चाहता। I have nothing to hide. Want to face? आती, please. इंस्पेक्टर साहब मुझे थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। मैं थोड़ी देर में डायरेक्टली पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ट्रस्ट मी। ओके मिस्टर कुमार, I will wait. हाउ डेयर यू रूबल। मैं जानता हूं कि पुलिस को इन्फॉर्म तुम्हें नहीं किया है। डैड हाउ कैन यू से दिस? आई नो इस मैटर में मैं आप लोगों को कितने भी एक्सप्लेनेशन दूंगा यू गाइज वोंट ट्रस्ट मी। बट स्टिल डैड मैं सच कह रहा हूं कि इस वक्त मैंने कुछ नहीं किया है। आई नो आदि और मेरे बीच में कुछ इश्यूज हैं। आई एग्री टू दैट। बट इस मैटर को लेके मैं इतना भी नहीं गिरूंगा। डैड आदि इमोशनल हो रहा है इसलिए क्वेश्चनिंग के लिए जाना चाहता है। आप कमिश्नर अंकल को फोन क्यों नहीं करते? वी कैन एंड दिस मैटर। लेकिन मॉम आई डोंट थिंक ये सही होगा। और फिर अगर
वो जाना चाहते हैं तो उन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। आई थिंक पंखुड़ी इज राइट। अगर अदित जाना चाहता है तो उसे जाने दो ना। लेकिन हरीश। नहीं नानू, डोंट वरी, अब मेरी चिंता मत कीजिए, आई एम फाइन। ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, मैं भी साथ चलती हूँ। नो, सिर्फ मैं और हरीश जाएंगे। पुलिस स्टेशन में सब कुछ ठीक हो, पापा को फोन कर दो। नहीं, अभी उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। अंगूरी, आदि को लेकर टेंशन। I'm sorry, बकुड़ी। एक्चुअली ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ना ही मैं दादी माँ की डेथ का इतना बड़ा इश्यू बनाती और ना ही ये बात इस लेवल तक आकर पहुंचती। कायरा, तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? जो कुछ भी होना होता है किसी ना किसी वे में हो ही जाता है। और अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस सिचुएशन को टैकल कैसे करें। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें आदि के सामने बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करना है, वरना वो खुद को गिल्टी मानते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा। दादाजी, आप? दादाजी, बिल्कुल सही कहा बेटा। अगर आदित्य जी हमें परेशान देखेंगे तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। दादाजी, दादाजी अच्छा हुआ आप आ गए। हमारी बेटी इतने मुश्किल दौर से गुजर रही है, बस उसका साथ देने आ गए। बता क्या हुआ बेटा। दादाजी, पुलिस आदि को लेके गई पूछताछ के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लीगली इस मैटर में तो कोई केस फाइल नहीं हो सकता, लेकिन क्या फिर भी आप अपने वकील को बुलाना चाहेंगे? नहीं, इट्स फाइन। आपको आपकी नानी जी के बारे में कुछ भी याद है? मतलब वो कैसे दिखती थी या कुछ भी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, बहुत सालों से वो कोमा में थी। जो कुछ भी सुना है वो नानू के थ्रू सुना है मुझे, मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, क्या आपको ये याद है कि आपकी नानी जी के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क कैसे हट गया था? हाँ पंकुरी। पापा, वहां सब ठीक है ना? हाँ, वो पूछताछ तो चल रही है और थिंक ऑल इज वेल एंड एंड अदी इज फाइन। ओके, इंस्पेक्टर साहब मुझे कुछ याद है। कोशिश कीजिए मिस्टर कुमार, कुछ ना कुछ जरूर याद आएगा। एक्सक्यूज मी, ये हमारे लॉयर है। ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए, मैं मिस्टर कुमार और आपके लॉयर के साथ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लूं, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। ओके। सो व्हाट डू यू थिंक मॉम, आई एम अ गुड एक्टर? और नहीं तो क्या। अच्छा हुआ तुम हीरो नहीं बने, वरना मेरे जो बाकी के हीरोज हैं ना उनका क्या होता। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ अब आगे होगा क्या।
आई थिंक मच मोर, क्योंकि ये बात मैं भी जानता हूं कि आदि के अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता, बट मैं जो भी करूंगा ना, आई विल मेक श्योर दैट आई विल साइक हिम आउट। पूरी फैमिली जितना भी ट्राई कर ले आदि को उस गिल्ट से फ्री करने के लिए, मैं उसे उतना ही गिल्टी फील करवाऊंगा। और मॉम, अवंती का बुआ और पंखुड़ी के बीच के डिफरेंसेस का हमें फुल फायदा उठाना होगा। जब मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिली थी ना, आई वॉज वेरी अपसेट, पर अब जो कुछ भी हो रहा है ना, इट्स मेकिंग मी वेरी हैप्पी, इन फैक्ट वेरी वेरी हैप्पी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।